डीजे मूवी प्रेजेंट्स। प्रेमी भगत जनों, रानी बाथल जैसे गुरु गोरखनाथ के धोने पे पहुंची और अपने मन की बात गुरु महाराज को बताई तो गुरु महाराज ने कहने लगा, गुरु गोरखनाथ जी, महारानी तेरी इस भक्ति पर खुश होकर के मैं काशी से चल के आया हूँ। आप ऐसा करिए, सुबह आ जाइए, मैं आपको दो वरदान, बच्चों का वरदान दूंगा। बड़ी खुश होकर के रानी वापस अपने महल में लौट गई। जैसे महल में पहुंची, ननद ही छबील के नाम जिसका था, ननद कहने लगी, भाभी गुरु महाराज के पास गई, कुछ जादू मंत्र दिया बाबा जी ने, तो नू कहने लगी रानी बाथल, अब सुबह दो संतानों का वरदान दे देंगे गुरु महाराज। अब तो ननद छबील दे छोटी भावज के पास पहुंच गई, काथल के पास, और जाके नू कहने लगी, तू बैठी रहे, बड़ी भावज तो वरदान ले आई बाबा जी पर। दोनों ने सलाम मिला ली, छबील दे और काथल ने, और रानी बाथल से पहले जाकर के और गुरु महाराज से दो संतानों का वरदान रानी काथल लेकर के आ गई। जब तक रानी बाथल गई तो वहां से वे गुरु महाराज ढूंढे छोड़ के निकल चुके थे। जैसे रानी बाथल बाग में पहुंची, जाकर देख ढूंढा खाली पड़ा है, दौड़ लगा दी पीछे से और जाकर के रास्ते में गुरु महाराज के पैरों में गिर गई और न्यू कहने लगे, गुरु महाराज आप ऐसे नहीं जा सकते, आपने वचन दिए है दो संतानों का। अब तो गुरु गोरखनाथ न्यू कहने लगा, महारानी हर घंटे में तुझे वरदान चाहिए, मैं आपका कार्य सिद्ध करके ही तो ही आते जा। रानी बाथल मना कर रही है, गुरु गोरखनाथ न्यू कहने लगा, सुरतीनाथ जिसका नाम था उस चेले से कही, सुरतीनाथ सुरती लगा के ये देख, ये रानी झूठ बोल रही है, ये हमारे साथ में धोखा हुआ। तो सुरतीनाथ ने बता दिया, महाराज वो तो रानी काथल ले गई, रानी बिल्कुल सच्ची है बाथल। किस तरह से गुरु गोरखनाथ पाताल लोक पहुंचते हैं, पाताल लोक से गूगल हासिल करते हैं रानी पद्मिनी से, राजा बाथक की जो रानी थी, वापिस चल दिया। राजा बाथक के शक होगा कि ये गोरखनाथ घेरा फेरी कर ले गया, पीछे से नागसेना छोड़ दी। जैसे नागसेना आती दिखी तो गुरु गोरखनाथ घबराया गया उनको देख करके, एक जाट का पेड़ दिखता है और जाट दर्जी लगा ली। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर जन्माष्टमी को तो भगवान कृष्ण जी ने जन्म लिया तो जाटी की पूजा होती है, ये जारवीर से लगाव है। वहां से जैसे तैसे करके और वो गूगल के ले जाकर के रानी बाथल को देता है गुरु गोरखनाथ, और बाथल के जरिए से रानी बाथल के गर्भ से जहारवीर होते हैं। और गुरु गोरखनाथ के जो फल के अनुसार रानी सीरियल से अर्जुन सुर्दन होते हैं, कैसे जहारवीर पैदा होते हैं, किस तरह से खुशी नगर के अंगर मतरी है, किस तरह का हवाला कवि ने लिख दिया, बाकी हवाला भजन के माध्यम से सुनाएंगे। कालू महा देवी आई, ददरेवा में खुशियां छाई हुए पैदा जा हरवीर, रह जन भूखे नर को मिली थाली भर के खीर, रह जन भूखे नर को मिली थाली भर के खीर। खुशियां छाई हुए पैदा जा हरवीर, रेजस भूखे नर को मिले थाली भर के खीर, रेजस भूखे नर को मिली थाली भर
ओठ की बाछल ने सेवा ठाई, अरे बाछल ने सेवा ठाई, रे बाछल ने सेवा ठाई। भक्ति देख अटूट भगत की गुरु ने कृपा बरसाई, ओ गुरु ने कृपा बरसाई, रे गुरु ने कृपा बरसाई। परमेश्वर ने दया दिखाई, फिर खोल दई तकदीर, रे जन भूखे नर को बाजे खिल उठी आज फुलवारी, ओ खिल उठी आज फुलवारी, रे खिल उठी आज फुलवारी। चमक उठे मुरझाए चेहरे, सुने बच्चे की किलकारी, ओ सुने बच्चे की किलकारी, रे सुने बच्चे की किलकारी। सब साधु संत फकीर, रे जने भूखे नर को मिले थाली भर के खीर, रे जने भूखे नर को मिले थाली भर के खीर। राजा की कोई हो गया पानी देवा, अरे कोई हो गया पानी देवा, रे कोई हो गया पानी देवा। हर दान पुण्य और धर्म कर्म की हुई सफल आज ये सेवा, अरे हुई सफल आज ये सेवा, रे हुई सफल आज ये भगवान चंद समझावे, ओ भगवान चंद समझावे, रे भगवान चंद समझावे। हर कभी खुशी कभी गम देता है, कभी मौज कभी तरसावे, ओ कभी मौज कभी तरसावे, रे कभी मौज कभी तरसावे। गुण गावे
की पीर रे जने भूखे नर को मिले थाली भर के खीर रे जने भूखे नर को मिले थाली भर के खीर।